मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 4 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, वहीं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में रैली के 2 दिन बाद मनसे के 4 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। ये FIR विवादित बयान देने के आरोप में दर्ज किया गया है। धारा 116, 117, 135 और 1973 के 135 महाराष्ट्र पुलिस कानून 1951 के तहत ये FIR दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मनसे के चांदीवली यूनिट के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली के साथ अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मनसे कार्यालय से लाउड स्पीकर भी पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक राज ठाकरे की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। राज साहब के आह्वान पर महाराष्ट्र में पहली बार हनुमान चालीसा भोंगे पर बजाने वाले माननीय महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने हिरासत में लिया। महेंद्र भाई, महेंद्र भानुशाली, आपको पुलिस ने कहां से डिटेन किया है? उत्तर तर रुद्या स्मशान मधना मला अरेस्ट केलेला आहे। माझ्या मित्राचे वडील गेले महेंद्र भाई, कहां से डिटेन किया आपको? भटवाड़ी पुलिस से, भटवाड़ी स्मशान में से डिटेन किया है। भटवाड़ी पुलिस स्टेशन में पहला पण गया हो काम कर रही है। महेंद्र भाई, आपकी अगली रणनीति क्या है? जो साफ बोलेंगे वो